अस्सलाम वालेकुम, अकरम ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोहम्मद टूर्स एंड ट्रैवल्स। जैसे कि आप सभी को अभी पता है कि हमारे ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं कि हमने अपने पैसेंजर को अच्छी सर्विस नहीं दी है, हमने हमारे पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर हाथ छोड़ दिया है। तो मैं इसी चीज़ के लिए इसके सारे तफसीलात आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ हुआ था। आप लोग के सामने एक वन साइडेड स्टोरी आई थी, इसीलिए मैं अपने मीडिया भाइयों को बुलाकर आपके सामने दूसरी तरफ जो दूसरा रुख है वो भी बताना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन हुआ क्या था। सभी लोग को पता नहीं है कि दूसरा जो रुख था वो क्या है। जब लोग वो पैसेंजर्स जो थे 14 डेज पहले लैंड करे थे मालदीव्स में, जो 5 पैसेंजर्स थे, सारे लोग लैंड करे, वहाँ पर वेट करे, बोर्ड आई, बोर्ड लेकर चले गए उनको माफूशी आइलैंड पर। जैसा वो लोग वो पहुँचे वहाँ पर, वो लोग 14 डेज थे, कभी अलहमदिल्ला ये तो आप पूछ सकते कि किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं आई वो लोग को, स्पेशली जो वीडियो बना के बोले कि हमारे ऐसा एयरपोर्ट पर ठहरा दिए बोल के। तो लोग जैसा ही गए वहाँ पर 14 डेज थे, कंप्लीट खाना वगैरह खाए, 3 टाइम्स फूड मिला। हम पहले ही बोलकर भी जाते कि जब आप सऊदी अरब जा रहे हो तो एक थर्ड कंट्री में आप क्वारंटाइन रह रहे हो, तो वहाँ पर खाने के फैसिलिटीज़ उतने अच्छे नहीं रहते। हम पैसेंजर को बोलकर भी जाते अगर आप हमें 10,000 बढ़ के क्यों ना दो, हम बोल देते कि साहब भाई खाने की फैसिलिटीज़ हम अच्छी नहीं दे सकते, और हम लोग जो पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो मिनिमम से मिनिमम में प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग बहुत महीनों से यहाँ पर स्टक है उन्हें भी क्या है तब हासिल करके जाना, बट उसमें ऐसा नहीं है कि हम सर्विस में ख़राब कर रहे, सर्विस भी दिए। तो ये लोग के जो हो गए 15 डेज कंप्लीट हो चुके थे, हम लोग ने उनको टिकट दिया, PCR करवा दिया, वो लोग एयरपोर्ट को चले गए। जब एयरपोर्ट गए रात में 9:35 की फ्लाइट थी, जैसा ही एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट जाने के बाद वहाँ श्रीलंकन एयरलाइंस के बोर्डिंग गेट पर श्रीलंकन के लोग बोलते हैं कि आप ये वो फ्लाइट नहीं ले सकते बिकॉज आपका ट्रांसिट टाइम जो है ना मोर देन 15 आवर्स है। अभी जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ 4 आवर्स का आपको वेटिंग रहना है। हम लोग ने टिकट इश्यू कर दी है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये नया रूल हमारे पास आया है, तो हम आपकी टिकट 2 से 3 दिन बाद चेंज कर देंगे, आपको यहीं पर ही रहना पड़ेगा। ये लोग को अपडेट आया था एयरलाइंस की तरफ से, तो हमने वो लोग बाहर आए, हमारे को इन्फॉर्म करे, रात में 2 बज रहे थे, हमारे को इन्फॉर्म करे अकरम भाई ऐसी की बात ऐसी है, ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हमें। हम वो लोग बोल रहे कि 2-3 बाद आप टिकट चेंज कर लो, जब भी सीट अवेलेबल मिल रही है एयरलाइंस में। वी से ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है उनको। मैंने बोला ठीक है, मेरा काम तो था आपको टिकट दे देना, जो पैकेज में इंक्लूजन्स थे हैदराबाद से मालदीव्स, होटल, खाना एंड पिक एंड ड्रॉप और RT-PCR, ये सारे चीज़ें और टिकट देना। अब कोई कंट्री का रूल बदलता है तो वो मेरे अंडर नहीं आता है। फिर भी वो लोग बोले मेरे को हमारे पास एक हलाला नहीं है। मैं बोला आप खाने की टेंशन मत लो, आप रहने की टेंशन मत लो, आप PCR की टेंशन मत लो। मैं बोला मेरा लोकल एजेंट का मैं नंबर दे रहा हूँ, 2:20 AM को मैंने वो लोकल एजेंट का नंबर एक पैसेंजर को दिया। 5 पैसेंजर ठहरे हुए थे वहाँ पर, उनको बोला मैं इन्फॉर्म कर दिया ठीक है भाई अभी रात को रूम्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये मेरा आउट ऑफ द बॉक्स है, ये मेरी सर्विस में कहीं पर भी इंक्लूड नहीं है कि अगर आप रुकते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई एजेंट नहीं बोलेगा। तो जब आप वो बंदा जो पैसेंजर है उन्होंने बोला ठीक है भाई आप हमें नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, बट पैसे हमारे पास नहीं है, अगर आप दे दीजिए वहाँ पर उनको पैसे। हमने बोला ठीक है चलो डन, प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका अरेंजमेंट करा देंगे। 2:20 PM को मैं AM को मैंने उसको नंबर दिया, वो लोग ने क्या किया उसको कॉल किया, उन्हें बोला मैंने आपका रूम ढूंढूंगा, ये टाइम पे रूम मिलना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, रात का टाइम पे सुबह मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, मैं कॉल करूंगा, मॉर्निंग में रेडी रहो, फ्रेश अप हो जाओ, अगर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह चाहिए मैं अरेंज करवा दूंगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर या PCR का टेंशन मत लो, मैं हूँ बैठे हुआ मैं करके दूंगा। पैसेंजर को क्रिस्टल क्लियर बोला मैं, एक पैसेंजर को 5 पैसेंजर से एक पैसेंजर को हेड पैसेंजर बनाए थे हम, वो पैसेंजर से कोऑर्डिनेशन हो रहा था। देन वो लोग क्या करे सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock को एजेंट आया, उनको पिक करा, पिक करके लेके गया होटल को, होटल में लेके गया, वो लोग आराम करे, अभी भी वो लोग वहाँ पर ही है मालदीव्स में, स्टिल इन मालदीव्स। तो ये एलिगेशन लगा कि सर्विस दिए, वेट करवाए। देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं सारे एजेंट्स का जो लोग अभी समझ रहे हैं कि मालदीव्स एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, मालदीव्स में अगर आप समझ रहे हो कि हमें एक लग्जरी लाइफ मिलेगा, एजेंट आपसे कम से कम ले रहा है और एजेंट ज़्यादा नहीं कमा रहा है, एजेंट को कभी कभार क्या हो जाता है मालूम, जाकू वहाँ भी करना पड़ता है, दिखेगा नहीं, आप बिलीव करोगे नहीं वो चीज़, बट हो रहा है। जैसा अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है हम जितना उनसे कमाए उतना हमें लगा देना पड़ता, ये नहीं है कि बस हमारे सिचुएशन में भाई नहीं नहीं करना है, हम कमा रहे हम लाखों का कमा ले रहे, नहीं। अभी लोग जो सऊदी जा रहे हैं एक ऑप्शन है उनके पास मालदीव जो लेके जा रहे हैं, 99% मालदीव अभी भरा हुआ है इंडियन से, तो वहाँ पर रुक थोड़ा बहुत ड्राइवर को आने में लेट होगा, 19-20 का होता है। हम एजेंट ऐसा नहीं है कि बस
टेबल चेयर डाले, वैसे बहुत सारे पहले एजेंट्स थे, राइट नाउ इन दिस मार्केट वैसा कोई एजेंट नहीं है। 19-20 हर एजेंट से होता, मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। जब आप लोग मालदीव जा रहे हो तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको एक लग्जरियस लाइफ या 3-स्टार होटल ये नहीं मिलेगा, बिकॉज मालदीव में टूरिस्ट भी उतने ही आ रहे, क्वारंटाइन पैसेंजर्स भी उतने आ रहे। अब आप जब क्वारंटाइन होने जा रहे हो तो अपने आप को आप क्वारंटाइन में ही रखना बेटर रहेगा। अगर आप बाहर फिरोगे या नहीं भाई हमें बाहर निकलना है, अगर खुदा ना खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो वो भी एक बड़ा इश्यू बनता है, आप वहां से फिर वापस नहीं निकल सकते। तो मालदीव्स का बताना चाह रहा हूं मैं, मालदीव्स अभी ऐसा है कि गेस्ट हाउस, अपार्टमेंट्स, होटल्स, वेल्स फर्निश अपार्टमेंट ये सब लोगों दे रहे, वहां के लोकल्स अपने अपार्टमेंट दे रहे। क्यों दे रहे भाई? क्योंकि टूरिस्ट और क्वारंटाइन पैसेंजर उतना इंडिया से आ रहा है क्वारंटाइन होने। मालदीव से कई लोग डिपोर्ट भी हो रहे, इमिग्रेशन ऑफिसर्स बाहर भी फिर रहे। ये इन्फॉर्मेशन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप लोग को मालदीव्स की सच्चाइयत मालूम हो। ये वीडियो आप जिस तक पहुँच रही है, मालदीव्स की असलियत भी देखिए कि आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर दुबई गल्फ कंट्री रहती थी तो गल्फ कंट्री की बात कुछ और थी, चाहे वो दुबई है, बहरेन है, मस्कत है, ये कंट्रीज़ का कुछ और है। बट ये है एक इंटरनेशनल कंट्री जहाँ पर आपको पूरा वाटर पर है, आइलैंड्स पर बना हुआ है। भाई बोर्ड को 2 घंटे लग गए ट्रैवल करने में, सबके अलग अलग कंप्लेंट्स आते हैं। टिकट इशू करने के टाइम पे आपने बताए थे ये जी? नहीं, सभी चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं हम लोग। इन्फॉर्म करे बाद भी वो वीडियो वायरल क्यों हुआ? ये वीडियो वायरल हुआ कि ये मैंने पैसेंजर से जब डिस्कस करा, एक जो हेड पैसेंजर बनाए थे उसने बोला कि भाई हम लोग ने सिर्फ वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन को दिया था, हम ठहरे हुए हैं, हम इन्फॉर्म कर दिए थे कि एयरलाइंस अगर खुदा ना खासा अगर सऊदी अरब बंद होता है इफ़ इन केस, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नहीं आता है। एयरलाइंस ने ये बताया कि अभी रूल चेंज हो चुका है, अभी कम्प्लीटली रूल चेंज हो चुका है। एयरलाइंस में अभी उतना जो है न्यू वेटिंग नहीं कर सकते आप कोलंबो में, इस वजह से हम आपको 2-3 बाद की टिकट दे रहे। वो लोग ने PNR चेक किया वहाँ पर, चेक करके बोला मेरे 5 पैसेंजर ने, दूसरे पैसेंजर्स भी रुके वहाँ पर, सभी सारे लोग रुके। बट सिचुएशन ऐसा था कि वो लोग क्या हो गए कि एजेंट की तरफ से, भाई एजेंट देखिए, एजेंट का काम ये नहीं है कि बस आपको भिजा देना और वो कर ले छोड़ देना। एजेंट रिस्पॉन्स करता है कम्युनिकेशन में 19-20। आपके पैसेंजर्स के सिवा कोई भी पैसेंजर नहीं, दिल्ली के पैसेंजर्स भी थे, वो लोग को जब का जब एकोमोडेशन क्रिएट करे, उनके एजेंट जब का जब एकोमोडेशन क्रिएट करे। अब वो लोग का कैसा है, जब होटल से चेकआउट करते, किसी का 12 बजे चेकआउट रहता, चेकआउट 12 बजे रहा तो वहाँ पर आपको जो है होटल मिल जाती। बट ये लोग ने प्रॉपरली चेकआउट करके आया था, प्रॉपरली चेकआउट कर दिए, हम निकल रहे आगे। हमारे भी उतना आइडिया नहीं था कि ये सिचुएशंस आ सकते हैं। जिसका मतलब अभी मालदीव्स में ही आपके पैसेंजर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम होने की तलाश मिली थी। जी जी, पर इस मतलब अभी मालदीव्स का ही जिक्र आ रहा है, तो कहीं मालदीव्स में ही हो रहा है या फिर आप कतर से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे कस्टमर रिव्यूज पढ़ सकते हैं, हम कस्टमर रिव्यूज देंगे, बिकॉज मालदीव्स ऐसी जगह है, नो वहाँ के एजेंट्स कॉरपोरेट नहीं करते, बिल्कुल भी एजेंट के साथ कॉरपोरेट नहीं करते। लास्ट टाइम भी हमारे साथ सिचुएशन हुआ था, हम काउंटर करे प्रॉब्लम क्या, उसके सोल्यूशन निकाले और सोल्यूशन निकाल के दिए। उसके बाद मेरे पैसेंजर्स खतर से भी गए, खतर में मेरे कस्टमर रिव्यूज है, वीडियोस बने हुए, बट वहां पर कभी भी कोई तकलीफ नहीं है। बिकॉज तो जगह तकलीफ आ रही है, आप वहां के एजेंट्स और आपके कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कुछ और बेशक निकालेंगे। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, वो लोग सिंपल ये बोल रहे कि मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स आर कमिंग हियर फॉर द क्वारंटाइन। अब हमारे पास खुद के पास टाइम नहीं है कि हम कुछ मीटिंग सेट कर सके और सोल्यूशन का। जो खाने का है भाई एक साथ, वो बोल रहा है कि भाई मैं 40 आदमी को खाना एक ही साथ दूंगा, जो बनेगा वो 40 आदमी को, मैं अब मेरे पास टाइम नहीं है, सबका अलग अलग। अब अपार्टमेंट्स मिल रहे, लोग अपार्टमेंट में किचन्स मिल रहे, किचन्स में वो लोग खाना बना ले रहे, ये तक सहूलतें भी चल रही है लोगों के पास। जो फैमिलीज है प्रीफर्ड कर रहे अपार्टमेंट्स हमें प्रोवाइड कर दीजिए, हम अपार्टमेंट्स में रहेंगे इंशाल्लाह। तो बातों में एक चीज़ है जो आपके जो कस्टमर्स है वो लोग बोल रहे हैं कि आप डमी टिकट लोग को इशू करें, बोलकर इट्स एन ओपन टिकट। जब आप यहां से, मैं बताता हूं ओपन टिकट का मतलब क्या है। ओपन टिकट का मतलब ये है, जब आप यहां से मालदीव्स के लिए फ्लाई करते हो या कहीं पर भी ऑन अ विजिट वीजा एक रूल है कि इंडिया का रिटर्न टिकट आपको शो करना पड़ता। उसका मतलब इंडिया का रिटर्न टिकट, आप इंडिया तो आ नहीं रहे हो बट आपको एयरपोर्ट पे बताना पड़ता बोर्डिंग गेट पे कि आप इंडिया वापस आ रहे हो। इट्स अ रूल, कहीं पर भी अगर आप USA जाइए या सऊदी अरब जाइए, रिटर्न टिकट शो करना मैंडेटरी है। तो लोग जो डम्मी टिकट, डम्मी नाम जो रख दिए ना, वो एक गलत मतलब निकलता है चीज़ का।
ठीक है, मतलब ये ओपन टिकट बोलते हैं उसको। जैसा ही हम आपका टिकट बनाते हैं माले से हैदराबाद का, एज सुन एज यू रीच मालदीव, जैसे ही मालदीव से आप रीच करेंगे हम उसको वो टिकट को कैंसिल करते हैं। बिकॉज अगर वो टिकट को हम डमी वर्ड पर देंगे तो डमी टिकट इज समथिंग डिफरेंट, जस्ट वो आइटिनरी रहती, बट वो चीज तो देना जरूरी है बिकॉज पैसेंजर कांट फ्लाई, यहाँ पर बोर्डिंग गेट पे बोर्डिंग नहीं देते वो चीज की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रैवल्स को मोर देन 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक मैंने दुबई से काम स्टार्ट हुआ था, उम्रे का काम हम लोग ने कभी नहीं किया था, हम लोग ने सिर्फ हॉलीडे पैकेजेस, ए टिकटिंग एंड डोमेस्टिक टिकटिंग पे फोकस किया था। जब ये पैकेजेस आना शुरू हुए, जब सऊदी लोग जाना शुरू हुए, तो पहला शुरुआत हुआ था दुबई से। टिल आज तक मैं ऑन रिकॉर्ड जाकर बोल सकता हूँ मोर देन 1600 पैसेंजर्स को मैंने भिजाया। कोई खुश हुआ, कोई ना खुश हुआ, इट्स अ कस्टमर सर्विस। कोई खुश होता है, कोई हमारा 100% देते। मॉर्निंग में ऑफ 24/7 ऑफिस आज भी ओपन रह रहा है, क्यों? पैसेंजर को प्रॉब्लम आता है, कोई ना कोई सोल्यूशन। फिर भी कम्युनिकेशन हमारी तरफ से, हम ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है, बिकॉज देखिए एक क्लाइंट 10-10 फोन करता है, अगर हम उससे 10-10 मिनट 15-15 मिनट बाद आराम से उसको पूरी क्लैरिटी भी देंगे तो दूसरा क्लाइंट वेटिंग पे कॉल रखता है। एक हमारा जो ये डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं उसमें 3 लोग हैं, तीनों को कॉल आते हैं, कहीं ना कहीं मिस होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे से कम्युनिकेशन मिस नहीं होता है, बट नए क्लाइंट्स को हम ले भी नहीं रहे कि भाई अभी वेट करिए बिकॉज मालदीव्स ऑलरेडी फुल है। तो ये कम्युनिकेशन जो बैरियर जो होता है ना, वो डेफिनेटली एक मुद्दा रहता है, हर एजेंट के साथ होता है। मैं बोलकर नहीं, हर एक एजेंट के साथ कम्युनिकेशन बैरियर कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त आता है। तो ये सिचुएशन जो मालदीव्स में जो क्रिएट हुआ था, ये गरम भाई देखने को ऐसा क्यों होता है कि हैदराबाद के अवाम इतना ट्रैवल करती है गर्ल्स को जी, मतलब कुछ 2-3 ट्रैवल्स से जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं जी। देखिए अभी देखिए कैसा है मालूम, जब एक पैकेज, ये स्पेशली ये सऊदी क्वारंटाइन का जो पैकेज है, जो लोग सऊदी जा रहे हैं तो वो लोग के पास अभी ज़्यादातर लोग नहीं करते बिकॉज इसमें बहुत सारा हेडेक है। जैसा मालदीव्स का काम है, अरे भाई हेडेक है, एजेंट्स बहुत सारे बड़े बड़े एजेंट्स भी नहीं लेते काम। अब जो सिचुएशन बनता है, जाहिर सी बात है अगर आप उम्रे का काम कर रहे हो तो भी उसमें आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा कि भाई खाना अच्छा नहीं मिला या ये अच्छा नहीं मिला। यही सेम उसी तरीके का ये भी एक है कि अगर आप जब एक कोई पैकेज करते हो तो उसमें कोई खुश भी होता है, कोई ना खुश भी होता है। अब हम 100% ऑफ द पैसेंजर्स को पूरा ट्राई करते हैं खुश करने की, जितना हो सके मैक्सिमम खुश करें, बट कहीं ना कहीं किसी की जो एक्सपेक्टेशंस है हम वो रीच नहीं कर सकते। एक तो मेरा जो मेंटालिटी है, बिकॉज सऊदी जा रहे हैं आप, सऊदी जा रहे हैं तो प्राइजेस में अभी मार्केट में 160-170 भी चल रहा है। मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मार्केट से मैं कमीशन्स मेरे कम रखूँ बिकॉज लोगों को सहूलत हो। मैं दुबई से काम स्टार्ट करा, मस्कत करा, बहरेन करा, खतर करा, मालदीव्स करा, ये पूरा मैंने खुद अपने पर्सनली मैं खुद कराऊँ। बट इसमें कई सारे जो है कई इश्यूज आए हैं, कई इश्यूज नहीं आए, कई लोग खुश हुए हैं, कई लोग खुश नहीं हुए। तो अभी कस्टमर्स को क्या बोलना चाहेंगे? अभी मैं कस्टमर्स को स्पेशली बताना चाहूँगा, देखिए जो एजेंट्स है, मैं सभी एजेंट्स की तरफ से बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एक छोटा सा एजेंट हूँ, मैं कुछ बड़ा सा एजेंट नहीं हूँ। मैं सभी एजेंट्स का जो सिचुएशन चल रहा है, आप हर जगह कंप्लेन एजेंट्स को है, हर एजेंट को कंप्लेन आ रही है, ये नहीं कि सिर्फ मेरे ट्रैवल एजेंसी को, हर एजेंसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सब जने अपना 100% दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ऐसा नहीं है कि हम आपसे अमाउंट ले रहे, हमारे ऊपर भी वहाँ लोकल एजेंट्स है। कभी लोकल एजेंट एक चीज़ मिस करता है ना तो बात हमारे पे आती। थोड़ा बहुत आप कॉर्पोरेट करिए, हम भी हमारे एजेंट्स कॉर्पोरेट कर रहे, जो भी प्रॉब्लम आता है आपको उसका सोल्यूशन निकलेगा। देखिए ट्रैवलिंग में जब आप एक ट्रैवल कर रहे हो, एक फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचना है आपके पास, आपको सिर्फ 15 डेज स्टे करना है, वो एक मजबूरी है। अगर वो नहीं रहता तो वो कनेक्ट नहीं होता था, वो पैकेजेस नहीं बनते थे, ना होता था अगर सऊदी अरब डायरेक्ट, तो एक मजबूरी है। थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड होते हुए, आपको 19-20 लेके चलते हुए, बिकॉज इंटरनेशनल एक थर्ड कंट्री में जाके आप 15 दिन रह रहे हो, लोग हॉलीडे पे जाएंगे तो 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, बट अगर आप कोई 15 दिन एक कंट्री में रह रहे हो तो उसके एक्सपेंसेस भी वैसे रहेंगे और उसका प्रॉब्लम भी आएंगे, तो उसका सोल्यूशंस भी निकालना पड़ेगा। अभी स्टिल मैं बताना चाह रहा हूँ, कल वो लोग की मॉर्निंग में 950 की फ्लाइट है, श्रीलंकन 950 की फ्लाइट है। मैंने क्लियरली बताया कि प्रॉब्लम हुआ क्या था, पैसेंजर से डिस्कस करा मैं कि वो क्या प्रॉब्लम आया था भाई, जो कि वीडियो मेरी वायरल कर रहे हो आप। वो लोग ने अंडरस्टैंड किया, वो लोग ने बोला कि हम ऐसा समझे कि आप तक ही गलती है, हम समझे कि एयरलाइंस की गलती नहीं आपकी गलती है। वो लोग दूसरे पैसेंजर्स भी, आज मेरे पैसेंजर्स नहीं थे, दूसरे एक एजेंट के पैसेंजर्स थे जो कि मिस कर लिए अपनी फ्लाइट को। आज भी मैं उनको वीडियो यहाँ पर बताऊंगा कि वो लोग को भी मैं ही एक दिन के लिए अकोमोडेट करा हूँ।
मालदीव्स में, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, हम सपोर्ट करने जाते, बट एजेंट्स वहाँ के कभी सपोर्ट करते कभी नहीं करते, पेमेंट मिलने के बाद भी ये एक्स्ट्रा हुआ वो एक्स्ट्रा हुआ ये चीज़ एक्स्ट्रा हुई, बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाते। आपके कस्टमर्स अगर गल्फ जाना चाह रहे हैं जी, अब आपकी क्या सर्विस रहेंगी? अभी देखिए, अगर मेरे पास, तो मैं मालदीव्स में क्लियरली बता रहा हूँ, अगर मालदीव्स से एक पैकेज चल रहा है, मालदीव्स से सितंबर में पैकेज है, अगर मालदीव्स कोई ऑप्ट करना चाहता है तो मैं क्लियरली बोलता हूँ उसको थोड़ा बहुत सब्र करना रहता है, उसमें जाने के बाद जो सिचुएशंस अभी मैंने क्लियरली बताया जो मालदीव्स में चल रहे, ठीक है, मेरी अकेले के एजेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, मालदीव्स बहुत सारे एजेंट्स कर रहे हैं, हर एक को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर एक क्लाइंट प्रॉब्लम क्रिएट, एजेंट कस्टमर समझता है कि एजेंट की तरफ से हो रहा, बट वो कंट्री के जो सिचुएशंस है वहाँ से, गल्फ कंट्रीज़ में दुबई अभी बंद है, खतर से अगर जाना चाह रहे हैं आप, खतर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो कस्टमर्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि मुतमईन रहिए, जो जो चीज़ें जो वायरल होती है ना वो चीज़ कभी सच नहीं होती है, आप हमारे तरफ से आके देखिए, वी आर डूइंग कस्टमर सर्विस, कभी 19 होता है कभी 20 होता है, किसी का टेस्ट अलग है किसी का टेस्ट अलग है, वी कान प्रोवाइड ईच एंड एवरी वन द सेम डिफरेंट टेस्ट, बिकॉज ये एक मजबूरी से जा रहे हैं लोग, मजबूरी से रहना पड़ रहा है उन्हें। तो सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें वायरल हो रही है उसके बारे में तहकीकात करिए। मैं मेरे सारे मीडिया भाइयों को शुक्रिया करता हूँ, वो लोग आए मेरे से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, मैं सबको शुक्रिया करता हूँ, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद ईजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर हज़ार से ज़्यादा वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और ₹100 डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की, अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप ईजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें या विजिट करें हमारे ईजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।